उसकी कुछ अपडेटेड लैडर लॉजिक इस प्रकार से जैसे कि दर्शाई गई है। अब हमारा फोकस कुछ इसी पर ऑडियंस करता है कि हमें शिफ्ट की शुरुआत में एक मास्टर सेंटर को लीनियर सिस्टम मशीन और फाइनल टेस्टर पर टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी प्रिंटिंग मशीन ऑन होती है। अब हमारा प्रोसेस तो कुछ अपडेटेड आफ्टर के प्रोसेस होते कॉलिंग चलता है। अगर लीक टेस्टिंग का पार्ट ओपन करता है तो हमारा फाइनल टेस्टर ऑन होता है, और अगर हमारा फाइनल टेस्टर ऑन होता है तो हमारी प्रिंटिंग मशीन फिर 4 टाइम्स के लिए ऑन होती है। इस कायदा को करने के बाद हमें जो बेनिफिट्स हुए, कायदे में इम्प्लीमेंटेशन के बाद से हमने अब तक के कस्टमर कंप्लेंट का डेटा लिया है तो हमने पाया कि एफएससी की लीकेज की और कंटिन्यूटी मिसिंग की अभी तक एक भी कस्टमर कंप्लेंट नहीं आई है। आगे प्रोसेस को पूरा करने में हमें लगभग 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और साथ ही साथ हमें इससे कुछ और भी लाभ हुए, जैसे कि हमारे लाइन का सिंगल पीस फ्लो बढ़ा और साथ ही साथ हमने 2 लाइनों में इसका जनरल डिपार्टमेंट भी किया है। धन्यवाद। आपके प्रश्न को सुझा सकते